हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने री ऑर्डर लिस्ट एक्सटेंडर को यूज़ करना है जो कि हमारे पास एजेक्स की टूल किट में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि एजेक्स की टूल किट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे ही चैनल के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है कि कैसे आप जो है एजेक्स की टूल किट को बड़े इजी वे के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े ही इजी वे के साथ जो है उसको अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो वीडियो ट्यूटोरियल्स आप ज़रूर देख लें और अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर पहले एजेक्स की जो टूल किट है उसको इंस्टॉल और डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। तो चलिए, रीऑर्डर लिस्ट एक्सटेंडर एक काफ़ी अच्छा एक कंट्रोल है एजेक्स के अंदर। इससे आप जो है एक ऑर्डर लिस्ट जो है, जैसे मेरे पास ये लिस्ट है जिसको मैं माउस कर्सर की हेल्प के साथ जो है रीऑर्डर कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ। और इसकी जो चेंजेस होंगी, रीऑर्डर लिस्ट की जो चेंजेस होंगी, वो डेटाबेस में अपने आप जो है अपडेट हो जाएंगी थ्रू कोडिंग। तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल है जो डेटाबेस के साथ बाइंड अप होके वर्क करता है, और आपकी जो लिस्ट की रीऑर्डरिंग की अपडेशंस हैं वो उसकी जो चेंजेस है ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस के अंदर भी कर देता है। तो चलिए, मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक डेटाबेस पहले से ही तैयार कर रखा है। इसमें मैंने जो है हर मूवी की एक पोजीशन रखी है, 1, 2, 3, 4, 5। और जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट देख रहे हैं, ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली अरेंज है और डेटाबेस से रिट्रीव हुई है। तो चलिए, इसको जैसे ही मैं इस रेड स्क्वायर के ऊपर क्लिक करके माउस को इसको मूव करवाऊंगा, जैसे मैंने इसको फोर्थ पोजीशन पे ले गया है, तो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस हैं, पीके जो मूवी है उसकी पोजीशन 4 हो गई होगी। तो मैं आपको डेटाबेस को रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप डेटाबेस को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो पीके मूवी है उसकी जो पोजीशन है वो फोर्थ हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो फोर्थ कर दी है। तो चलिए, एक और पोजीशन मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ। इसकी जो पोजीशन है, मैं पद्मावती की जो पोजीशन है वो 1 नंबर पे कर देता हूँ। तो चलिए, डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं, जो पद्मावती की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस के अंदर 1 हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट को जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा पाएंगे, और जैसे ही आप उसके अंदर कोई चेंजेस करेंगे, उसकी ऑर्डरिंग जो है माउस की हेल्प के साथ जो है मूव करवाएंगे, तो उसकी जो अपडेशन है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर जो है डेटाबेस के अंदर भी हो जाएगी। तो इस तरीके का हमारा आज का एक्सटेंडर कंट्रोल है। तो चलिए, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को, और इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू वेबसाइट, और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ से ASP.NET वेबसाइट, और यहाँ पे आपने फोल्डर का नेम प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आपका सारा जो सोर्स कोड है पीसी के अंदर वो सेव होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ री ऑर्डर लिस्ट 2। तो चलिए, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं माउस की हेल्प के साथ, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे एक वेब फॉर्म, ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो है ब्लैंक वेब फॉर्म का जो नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए, डिज़ाइन के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टूल बॉक्स में से कंट्रोल हम यूज़ करेंगे वो है लेबल। तो जैसे ही मैंने लेबल के ऊपर डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं लेबल जो मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करनी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो ट्यूटोरियल जो है हम इस चैनल के ऊपर डेली अपलोड करते रहते हैं। उससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और लाइव एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो और भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए, यहाँ पे एक और लेबल इंसर्ट करते हैं, और इस लेबल के अंदर जो है अपने आज का जो हेडिंग है प्रोजेक्ट का वो लिखते हैं रीऑर्डर्ड लिस्ट एक्सटेंडर। यहाँ से देख लेते हैं एक बार।
टूल कौन सा, री ऑर्डर लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ दोबारा से, री ऑर्डर लिस्ट एक्सटेंडर इन ASP.NET और सी शार्प। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप चाहे तो यहाँ से जो है अपना जो है कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको मैं एक हर बार मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आपने एजेक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है ASP.NET के अंदर, तो आपको एक कंट्रोल है जो एजेक्स के रिलेटेड ही है, जो आपकी सारी फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करता है आपके वेब पेज के अंदर। तो वो कंट्रोल आपने सबसे पहले यूज़ करना है एजेक्स के रिलेटेड, तो वो है एजेक्स एक्सटेंशन के अंदर है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो सिंपली इसको डबल क्लिक करके अपने वेब पेज के ऊपर इंसर्ट कर दें। इससे होगा क्या, इससे जस्ट आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्पोर्ट होगी एजेक्स के रिलेटेड। तो चलिए टूल बॉक्स में से आज का जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट कंट्रोल है वो यूज़ करते हैं, जिसका नेम है री ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने एजेक्स की जो टूल किट है वो 15.1 जो है वर्जन वाली इंस्टॉल कर रखी है। तो इसमें से मैं जस्ट सिंपली डबल क्लिक करूँगा अपने री ऑर्डर लिस्ट कंट्रोल के ऊपर। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरा जो वेब फॉर्म है उसके ऊपर री ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। मगर इससे पहले हमने जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे SQL डेटा सोर्स, जो हमारा बेसिक कंट्रोल है अपने ASP.NET के अंदर। तो ये देखिए इस कंट्रोल को हमने यूज़ करना है, तो डबल क्लिक करेंगे SQL डेटा सोर्स के ऊपर। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। SQL सर्वर के अंदर मैंने जो डेटाबेस क्रिएट कर रखा है उसका नेम है मूवी चार्ट, और उसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नेम है टॉप मूवी। तो इसमें 5 मूवीज़ मैंने एंटर कर रखी है, ये आप देख सकते हैं 5 मूवीज़ का डेटा जो है ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो इसमें से मैं जो इसका डिज़ाइन आपको एक बार दिखा दूँ मैं कैसे, 4 कॉलम्स मैंने यूज़ किए हैं, मूवी आईडी, मूवी नेम, कैटेगरी, पोजीशन। तो इस तरीके का जो टेबल है आप क्रिएट कर सकते हैं बड़े इजी वे के साथ। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना है, आपने कोई ना कोई एक प्राइमरी की जरूर सेट करनी है किसी कॉलम के ऊपर। जैसे मैंने मूवी आईडी के ऊपर ये प्राइमरी की सेट कर रखी है, तो राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है SQL डेटा सोर्स के अंदर करनी है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शन, यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिखते हैं। जैसे मैं अपने सर्वर का नेम लिख रहा हूँ वैसे ही आप अपने सर्वर का नेम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने, मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़र पासवर्ड के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस का नेम। तो चलिए मेरे पास अभी जो लिस्ट है वो लोड हो जाएगी डेटाबेसिस की। तो उसमें से मैंने जो है मूवी चार्ट नेम का जो डेटाबेस है वो यूज़ करना है। तो चलिए ये डेटाबेस मेरा आ चुका है, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमने जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई ये कस्टम सीक्वल, क्योंकि हमने कस्टम सीक्वल स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है। तो इसलिए पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब हमने जो है यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है SQL स्टेटमेंट और अपडेशन के लिए जो SQL स्टेटमेंट है वो यूज़ करनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी सारी कोडिंग कर रखी है, ये पूरी फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बड़े इजी वे के साथ जो है इसको डाउनलोड करके और इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट वाली जो स्टेटमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं SQL सिलेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स यूज़ किए हैं, इनका नेम यूज़ किया है राउंड ब्रैकेट के, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ऑर्डर बाय जो ऑर्डर है उनका ऑर्डरिंग की लिस्ट है वो पोजिशन के अकॉर्डिंगली सॉर्ट की हुई है। तो चलिए ऐसे अपडेट वाली जो कमांड है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो है इसके अंदर जो अपडेट के अंदर जो है पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हमने जो है इसको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसको डबल कोट को हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको जो फाइल है वो प्रॉपर मिले। तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, इसको एक बार सेव कर देता हूँ मैं। तो चलिए अब हमने जो है अपडेट वाली कमांड भी लिख दी है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हमने जो है इसके
सोर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है पैरामीटर देख लेने हैं, पोजीशन आ चुका है हमारा पैरामीटर एक, और दूसरा जो है ओरिजिनल मूवी आईडी, तो मूवी आईडी भी आ चुका है यहाँ पे। इसकी जो टाइप है वो लिख देते हैं सोर्स के अंदर, तो जो पहला है वो है INT32 और जो मूवी आईडी है वो भी हमारा है INT32, तो यहाँ पे भी जो है टाइप कर देते हैं हम INT32। तो चलिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हैं। अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है यहाँ पे रन इक्वल टू सर्वर के बाद हमने ये वाला कोड जो है कॉपी करना है यहाँ से ओल्ड वैल्यू पैरामीटर फॉर्मेट स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है रन सर्वर के बाद। तो चलिए एसक्यूएल डेटा सोर्स जो है प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है इस रीऑर्डर लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 और इसको सेव कर देते हैं एक बार। और अब हमने जो है इसके सोर्स कोड में जाना है और यहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड है वो देख सकते हैं रीऑर्डर लिस्ट वाला आ चुका है। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है ये वाली, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे पहले हम CSS वाली कोडिंग जो है ये कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली आपका जो रेड बटन था उसको डिस्प्ले करवाने के लिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रेड कलर का आ रहा है तो ये ड्रैग हैंडल है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें एजेक्स की जो कोडिंग है टाइटल के बाद करनी पड़ेगी। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए कोडिंग आ चुकी है हमारी ड्रैग हैंडल की। तो इसी कोडिंग को हम यहाँ रीऑर्डर लिस्ट के अंदर यूज़ करेंगे, तो यहाँ से वन बाय वन यूज़ करेंगे। पहला है अलाउ रीऑर्डर ट्रू, तो इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे रीऑर्डर ट्रू जो है ऑलरेडी हमारे पास, उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी है सॉर्ट ऑर्डर पोजीशन, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे रीऑर्डर के अंदर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से जो डेटा की फील्ड है जिसको हमने प्राइमरी की बनाया है उसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अगला जो है हमारे पास डेटा सोर्स है जो ऑलरेडी सेट है, तो यहाँ से अब हम हाइट और विड्थ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो रीऑर्डर लिस्ट की कोडिंग है उसके अंदर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है रीऑर्डर ट्रू, सॉर्ट ऑर्डर फील्ड को पोजीशन, और उसके बाद में डेटा की फील्ड को हमने मूवी आईडी और हाइट विड्थ, और उसके बाद में हाइट विड्थ डेटा सोर्स, और उसके बाद में पोस्ट बैक रीऑर्डर फॉल्स किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है ये वाली, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम रीऑर्डर लिस्ट के अंदर ही यूज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जो है रीऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है इसके अंदर जो है हमने पेस्ट करना है। तो चलिए ये भी काफ़ी इजी कोडिंग है। यहाँ इसके अंदर मैंने एक तो ड्रैग हैंडल टेम्पलेट यूज़ किया है और उसके अंदर जो क्लास मैंने सेट की है वो CSS की कोडिंग वाली जो नेम था, जैसे यहाँ पे नेम यूज़ किया है वो सेम नेम वहाँ पे लिखा है, और उसके बाद में मैंने टेम्पलेट आइटम टेम्पलेट के अंदर जो है एक लेबल यूज़ किया है, और लेबल के अंदर जो है मूवी नेम को जो है सेट किया है, कॉलम जो मूवी नेम वाला था उसी की हेल्प के साथ आपके पास जो ये नेम जो है लिखे आ चुके हैं। तो ये बेसिकली एक लेबल ही है जो आइटम टेम्पलेट के अंदर हमने यूज़ किया है। तो चलिए ये भी हमारे पास प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका ही है, कोडिंग भी हो चुकी है, रीऑर्डर लिस्ट भी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार, और यहाँ पे देख लेते हैं कोई और तो नहीं रह गया, यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, एग्जाम्पल रन हो चुकी है। तो चलिए दंगल मूवी यहाँ पे आ चुकी है, अग्निपथ आ चुकी है, पीके आ चुकी है, सुल्तान पद्मावती आ चुकी है। तो इसको जो है पीके को फर्स्ट नंबर पे ले जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप पोजीशन जो है फर्स्ट नंबर वाली आ चुकी है पीके की। अब एक बार डेटाबेस को रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो टॉप मूवीज को जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे जो पीके मूवी है उसकी पोजीशन जो है 1 हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप जो है रीऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी लिस्ट को माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ रीअरेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है कि रीऑर्डर लिस्ट एक्सटेंडर कैसे वर्क करता है, उसका पर्पस क्या है, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से अपना सपोर्ट जो है इस चैनल के साथ बनाए रखिए और सीखते रहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो उसको आप बाय कमेंट और मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं।